ठीक है, कोई माहौल गरमाने गया है। हमने हमने वो बयान को भी देखा है, सुना है, और जो लोग ये माहौल गरमाने जा रहे थे उनके भी बयान हमने सुने हैं। मारन साहब, दयानिधि स्टालिन साहब जो है मंत्री है, और उनका बयान का कोई समर्थन नहीं करेगा। इस प्रकार के जो बयान है उसे बचना चाहिए। हम इंडिया के घटक दल है सब, या आपकी राय हो सकती है, ये डीएमके की राय हो सकती है, द्रविड़ संस्कृति की राय हो सकती है, लेकिन इस देश में लगभग 90 करोड़ हिंदू रहते हैं, उनकी आस्था है, मुसलमान रहते हैं, पारसी है, जैन है, लिंगायत समाज के लोग हैं, सभी की अपने अपनी आस्था होती है। आप उनके आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकते, अपनी व्यक्तिगत राय है, अपने पार्टी की राय है, अपने तरफ रखे, अपने राज्य में रखे। इस प्रकार से पूरा देश का माहौल जो है वो बिगड़ गया। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कोई ऐसा हथियार न लगे जिसकी वजह से हमारे हमले करते रहे। हमने आज हमारी बात रखी है। एम के स्टालिन साहब बहुत रिस्पेक्टेबल नेता है, देश उसको मानता है, वो भी हमारे साथ एक युद्ध में उतरे हैं। ऐसे समय में स्टालिन साहब की जो सिपाही सलाहकार है वो थोड़े बसकर बयान करें। ठीक है, कोई माहौल गरमाने गया है। हमने हमने वो बयान को भी देखा है, सुना है, और जो लोग ये माहौल गरमाने जा रहे थे उनके भी बयान हमने सुने हैं। मारन साहब, दयानिधि स्टालिन साहब जो है मंत्री है, और उनका बयान का कोई समर्थन नहीं करेगा। इस प्रकार के जो बयान है उसे बचना चाहिए। हम इंडिया के घटक दल है सब, या आपकी राय हो सकती है, ये डीएमके की राय हो सकती है, द्रविड़ संस्कृति की राय हो सकती है, लेकिन इस देश में लगभग 90 करोड़ हिंदू रहते हैं, उनकी आस्था है, मुसलमान रहते हैं, पारसी है, जैन है, लिंगायत समाज के लोग हैं, सभी की अपने अपनी आस्था होती है। आप उनके आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकते, अपनी व्यक्तिगत राय है, अपने पार्टी की राय है, अपने तरफ रखे, अपने राज्य में रखे। इस प्रकार से पूरा देश का माहौल जो है वो बिगड़ गया। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कोई ऐसा हथियार न लगे जिसकी वजह से हम हमले करते रहे। हमने आज हमारी बात रखी है। एम के स्टालिन साहब बहुत रिस्पेक्टेबल नेता है, देश उसको मानता है, वो भी हमारे साथ एक युद्ध में उतरे हैं। ऐसे समय में स्टालिन साहब की जो सिपाही सलाहकार है वो थोड़े बसकर बयान करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।